हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुदामा मनोरंजन चैनल। आज मैं आई हूँ, आज मैं आई हूँ। हाँ, ये न्यू प्रत्याशी है अर्पणा दुबे, चेयरमैन की उम्मीद दो। इनको सभी लोग वोट दे, भाई जीता। आज मैं आई हूँ, बीना देवरानी है मेरी, तो आज उनके घर में संकटा है। तो ये देखिए सभी लोग बैठी है। इधर दीदी ने बहुत मजाक नहीं आई। बहुत दिन में सभी लोग मिले हैं तो खूब हंसी मजाक चल रहा है। कहानी सुनिए संकटा महारानी, माता रानी की कहानी। पूछ लिया भाई, हाथ में ले लो भाई। हमारे चेयरमैन का भी थोड़ा सा आ रहा, पूरा पूरा मेरे पे फोकस है। बारी बहुमत से जिताना है इस बार। तुम्हारा पूरा चेयरमैन नाराज हो जाए। ये वाली मोबाइल में अपने हस्बैंड नाम से फीड करे नंबर, इसी से आप लोग भी फीड कीजिए। तो आज ले लिया, ले लिया सभी लोग जा रहे हैं। संकटा खिलाई हो गई, संकटा खिलाई हो गई है। हाँ। बताए इनके बारे में आप बताए पहले। हाँ। कौन है? अलका जय सामने। हाँ, बताया आप, बताइए आप, बताइए इनके परिचय क्या है यार, और क्या बताए। ये हाँ, न्यू उम्मीदवार है ये, अलका दुबे है। बहुमत से जिताइए भारी, बहुमत से जिताइए ये। अब जा रहे हैं घर, और देखिए इनके घर में कितने बढ़िया पेड़ पौधे हैं। किंगा गया है लिवाने, ये देखिए बहुत अच्छी ग्रीनरी है। हरियाली ही हरियाली है इनके घर में। कहाँ टोर दिखेंगे। जय थे, बाय। अब सुबह हो गई है फ्रेंड, तो कल से नवरात्र शुरू होने वाली है, तो मैंने अपनी पूजा घर की सफाई भी कर दी है। लो, पूरी देवी देवताओं को नहला दिया और पोंछ के सब रख दिया। ये देखिए कितना साफ लग रहा है। वैसे तो रोज कर लेती हूँ, लेकिन
आज मैंने और अच्छे से किया है और यहाँ पे सारी डस्टिंग करवा दिया है, पूरी साफ सफाई हो गई है। ये बेडशीट भी मैंने बदल दिया, कल से पाठ भी बैठना है, पंडित जी आएंगे, पूजा होगी घर में, तो पूरे घर की मैंने साफ सफाई कायदे से कर दी है, पूरी डस्टिंग पूरी सफाई। जब सफाई हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। सब काम हो गया मेरा, अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने, तो मैं कद्दू की सब्जी बनाऊंगी और कद्दू की सब्जी के साथ पूरी पराठा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आज बना रही हूँ चने दाल कचौड़ी, तो इसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है कद्दू की सब्जी। तो अभी मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड करूंगी, पहले मैं सब्जी छौंक लूं। तो मेरा तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें लहसुन प्याज डालूंगी और मेथी हींग। अब मेरी मेथी हींग लहसुन प्याज पक गई है, मसाले डालूंगी, धनिया हल्दी मिर्च गरम मसाला और थोड़ा सा पानी डालूंगी कि मसाले जल ना पाए। नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, मसाले मेरे पक गए, अब मैं सब्जी डालूंगी। ये कचौड़ी के लिए मैंने मसाला भूना है, जीरा मेथी और थोड़ी से धनिया पाउडर और लहसुन हरी मिर्च मैंने पहले से ही मिक्स पीसने में डाल दिया है। ये मेरी पिस गई सब बार, पूरी मसाला भी इसमें पीस लिया है। अब मैं जीरा हींग से इसको खूब तल लूंगी, जिसमें खूब अच्छा सोनापन आए, बहुत ही अच्छी खस्ता कचौड़ी बने। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ये जीरा हींग है इसको भी डालूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग अब मेरी सब्जी पक गई है, तो अभी मैं नींबू डालूंगी। पक गई मेरी सब्जी, अब मैं कचौड़ी बनाऊंगी। ये मेरा कलर गया, भुन गया, अब मैं कचौड़ी बना। तो ये देखिए हमारी कद्दू की सब्जी और ये कचौड़ी चने दाल की, देखिए कितनी खस्ता बनी है, आम का अचार और प्याज। अभी हंसु के पापा आ गए हैं तो मैं उनको देने जा रही हूँ खाना, और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बना। हंसु के पापा कैसी बनी है चना दाल कचौड़ी? बहुत अच्छी बनी है, कद्दू की सब्जी के साथ बहुत अच्छा है एक मेल। बहुत स्वादिष्ट बनी है कद्दू की सब्जी और कचौड़ी। कह दे राम दही के बहु नी का बनी दही, मजा आए खाए में। आवाज इतना काम पा रहा है अंशु पापा, राम दही में थका गए हैं कसम से। अच्छा
अजीत आवा 11 बजे और 4 बजेगा, समझ लो इतना ऊपर नीचे डस्टिंग रहा है। कल से नवरात्र शुरू हो के तुमको हर जगह की बेड सीट है, सब सफाई करा ले पंडित जी है सुबह से। वह बेचारा थक गा, महु थक गा डस्टिंग करत का। चलो खाओ ले, चलो अच्छे तुम खाना खाओ, जा कर ठंडा जाए, कचौड़ी कद्दू की सब्जी। हाँ सही कहा थे। किंग अच्छी बुआ, कहाँ से गिफ्ट आया है? अरे अंशु के दोस्त की शादी थी खजुराहो में, तो वही है ये सब आया है। तो ये देखो बादाम है, ये पिस्ता है, और मिठाई बहुत अच्छी थी इसकी, बहुत मस्त गिफ्ट था। और हमारा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सुदामा भदौरिया को सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। जय माता दी।